तो वह बाणासुर भगवान शिव का ऐसा भक्त हुआ कि वह शिव जी का गण बन गया और कैलाश में शिव जी के गण बन के रहने लग गया है। आगे नंदी जी के जन्म की बड़ी प्यारी कथा है। नंदी जी के रूप में भगवान शंकर ही प्रकट हुए। नंदी जी जो है वो शिव जी का ही स्वरूप कहे जाते हैं। भैया महादेव के दिव्य चरित्र हैं, बड़ा आनंद है। अब शिव जी का नाम जरा जपते हुए हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि आज तो कथा का विश्राम ही है, सातवां दिन है और पल पल शिव नाम हमारे जिभ्या पे बैठा रहे है, शिव नाम लेते रहे, यही भाव कि तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। विश्वनाथ
रात की है। नंदीकेश्वर जी सनकादिको कथा सुना रहे हैं। अब मैं अपने अवतार के प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। नंदीकेश्वर कह रहे हैं, सिलाद नाम के महर्षि बड़े तपस्वी थे। इन्होंने कठोर तप किया। सिलाद मुनि ने हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे देवराज इंद्र को माध्यम बना करके।
देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और सलाद मुनि के सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए, वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि मैं अजर अमर अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। अयोनिज का मतलब जो किसी माँ के गर्भ से जन्म ना ले, ऐसा अजर अमर पुत्र चाहता हूँ। इंद्र ने कहा कि ये देने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, भाई देवताओं के भी अपने अधिकार निश्चित हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इंद्र ने कहा जब मैं ही अजर अमर नहीं हूँ, मेरा भी लोक और मैं सबकी आयु समय निश्चित है, तो ऐसा पुत्र कैसे दे सकता हूँ। हाँ ऐसे तो भगवान शिव हैं जो अविनाशी हैं, वही ऐसा पुत्र दे सकते हैं। सलाद मुनि ने पुनः 1000 दिव्य वर्षों तक, दिव्य वर्ष का मतलब होता है देवताओं की वर्षों से, हमारा एक वर्ष और देवताओं का एक दिन बराबर होता है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात्रि, तो देवताओं के वर्षों से 1000 वर्षों तक सलाद मुनि ने शिव जी को केंद्र में रखते हुए तप किया। शरीर पर बामी ढक गई, शरीर का पूरा मांस रक्त आदि चीटियां चाट गई, केवल हड्डियां मात्र रह गईं। अच्छा देखिए, सतयुग में हड्डियों में प्राण बसते थे, अस्थि में, और कलयुग में किसमें रहते हैं? अन्न में। इसलिए अन्न को प्राण रूप भी कहा है और अन्नदाता को प्राणदाता कहा है। कलयुग में प्राण जो है वो अन्न में बसते, 4 दिन अन्न ना मिले तो क्या हालत हो जाए। पहले हजारों हजार वर्ष महात्मा लोग तपस्या करते थे, अस्थियां केवल हड्डियों का ढांचा रह जाए, सब मांस भी चला जाए, फिर भी उनके प्राण नहीं जाते थे। हम लोग तो ऐसे भोगी हो गए हैं, समय के ब्रेकफास्ट समय पर ना मिल जाए तो मुंह लटक जाए, रात में लाइट ना रहे सवेरे मिले तो पूरे पिचके एकदम मुंह लटका, क्या हुआ? बोले रात में नींद नहीं ली। क्यों? बोले मच्छर। क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि हम बिना एसी के, बिना पंखे के, बिना उसके सब रह नहीं सकते है? अन्न का दान प्राणों का दान है पंकज जी, इसलिए गुरु जी कहते हैं भैया अन्नदान जितना हो सके खूब करना चाहिए, खूब भोजन कराना चाहिए, भंडारे करना चाहिए। हम तो गुरु जी की इसी बात मान के जितना हो सकता है साधु संतों को, अतिथि को, जिसको बने, अब तो हॉस्पिटल की सेवा भी शुरू हो गई है तो थालियां लग के हॉस्पिटल में जाती हैं, तो वहां भी जो लोग अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं, परिजनों का इलाज करा रहे हैं, बेचारे बाहर बैठे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वस्थ होने की, उन्हें भी भोजन मिल जाए, तो उसके लिए हॉस्पिटल में भी थालियां वितरण की व्यवस्था शुरू हुई है, और भी जहां तहां परिक्रमा मार्ग में, और वो धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ाई जा रही है अन्नपूर्णा सेवा के नाम से। तो कहने का बस ये भाव है कि भाई अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा, जितना अन्नदान हो सके। सलाद मुनि ने तपस्या प्रारंभ की, केवल हड्डियां रह गई, अस्थियों का ढेर रह गया। 1000 वर्षों बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और शिवजी प्रकट हुए तो कहा कि वरदान मांगो। सलाद मुनि कहने लगे बाबा महेश यदि तुष्टो यदि वरदे इच्छा तत्सम पुत्र मृत्युहीनो अयोनिजम्। हे महेश, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे अजर अमर ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो मृत्यु से हीन हो, जिसकी मृत्यु ना हो, जो अजय हो, अमर हो। भगवान शंकर ने विचार किया, ऐसा कौन हो सकता है? आप सरे से खो जाओ कहाँ जाई, आप सरे से
जैसे भगवान मनु से कह रहे थे ना, मेरे जैसा मैं कहाँ खोजूंगा, मैं ही पुत्र बन के आ जाऊं। भोले बाबा ने श्राद्ध मुनि से कहा कि मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, तो मैं ही पुत्र बन जाता हूँ। वरदान दे के भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। श्राद्ध मुनि यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए और श्राद्ध मुनि शिव जी की कृपा से शरीर हृष्टपुष्ट पहले जैसा हो गया था। तपस्या के बाद यज्ञ भूमि का खनन कर रहे थे और यज्ञ भूमि का खनन कर रहे थे तो यज्ञ की भूमि खोदते समय आपको वहां एक दिव्य तेज दिखाई दिया और वह दिव्य तेज निकल करके एक पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। यज्ञ भूमि के खनन से ही वहां से पुत्र प्रकट हो गया। कैसा था बालक? बोले उसकी चार भुजाएं थी, हाथ में त्रिशूल डमरू आदि लिए हुए था, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी, बाघांबर लपटा हुआ था, सारे शरीर में भस्म लगी हुई थी, त्रिपुंड विराज रहा था और अर्धचंद्र से विभूषित होकर के साक्षात भगवान शंकर के समान दिखाई दे रहा था। जब बालक प्रकट हुआ तो सहसा मेघ बरसने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, देव गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, बड़ा उत्सव और आनंद प्रकट हो गया श्राद्ध मुनि के आश्रम पर। शिवजी ब्रह्मा जी अपनी अपनी शक्तियों को लेकर श्राद्ध मुनि के आश्रम पर पधारे। अथ ब्रह्मा दयो देवा देव पत्न्या च सर्वसा तत्रा जगमोचस्तु प्रीत्या हरिश्चैव शिवो अम्बिका। सब देवता अपनी अपनी शक्तियों के सहित श्राद्ध मुनि के आश्रम पे पधारे। बड़ा भारी उत्सव हुआ, सब खूब कीर्तन करने लगे, खूब उत्सव मनाने लगे, वाद्य बजने लगे। चतुर्भुज बालक को सब लोग गोद में ले लेकर देख रहे हैं, भगवान शिव का ही स्वरूप है। उत्सव के बाद सब लोग चले गए तो श्राद्ध मुनि ने सोचा कि इसके प्रकट होने से मेरे को बड़ा आनंद हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं नंदी रखता हूं। तो उनका नाम नंदी रखा गया, वही आगे चलकर नंदकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले नंदकेश्वर महाराज की जय। आनंद प्रदान किया ना, इसलिए उनका नाम नंदी रखा। सबको आनंद दे वो नंद और वही नंदी। देवता विदा हुए और नंदी जी ने जो पहले चतुर्भुज रूप में थे साधारण मनुष्य रूप धारण कर लिया। पहले तो श्राद्ध मुनि रोने लगे कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, चतुर्भुज रूप बड़ा दिव्य रूप था, ये सामान्य रूप कैसे हो गया। बाद में मित्रावरुण ने आकर के समझाया कि ये साक्षात शिव स्वरूप ही है। लेकिन मित्रावरुण ने एक और बात कह दी कि तुम्हारा बालक अल्पायु है, एक वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब श्राद्ध मुनि ने सोचा कि मैंने तो अजर अमर पुत्र मांगा था, ये क्या कह रहे हैं कि एक वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। बड़े दुखी हो गए, बार बार मूर्छित होने लगे। नंदी जी ने समझाया, आप शोक मत करिए, मैं शिव की आराधना करूंगा। यद्यपि वो सिद्ध रूप ही हैं, पर कैसे आराधना करनी चाहिए रीति नियम बदलाने के लिए आपने खूब शिव आराधना की। और शिव जी प्रकट हुए और श्राद्ध मुनि से कहा, आहे महर्षि आप चिंतित मत होइए, आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये साक्षात मेरा स्वरूप है, मैं इसको अपना मुख्य गण बना लेता हूं, ये मेरा गण बनेगा। और शिव जी ने नंदी जी को अपना प्रधान गण बना लिया, कहा इनको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और सर हर समय ये मेरे साथ रहेंगे। शिव जी ने उनको मुंडमाला प्रदान की नंदी जी को और बाद में भगवान शंकर की आज्ञा से मरुत की पुत्री सुयसा के साथ में इनका विवाह हुआ। विवाह भी हुआ है इनका नंदी जी का मरुत की पुत्री सुयसा से। तो हमेशा नंदी जी बैल के रूप में नहीं रहते, नंदी जी तो मनुष्य रूप में ही रहते हैं। जब भगवान शंकर को कहीं जाना है तो वो नंदी जी बैल का रूप धारण भी कर लेते हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं नंदी जी तो ब्रह्मचारी, वो एक आरती में गाते हैं नंदा ब्रह्मचारी, ऐसा कुछ गाते हैं ना, कई लोग सोचते हैं नंदा ब्रह्मचारी, नंदा ब्रह्मचारी माने ये नंदा जी नहीं, वो नंदा नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने शिव जी की आरती लिखी, तो वो ब्रह्मचारी उन्होंने अपना नाम वहां जैसे लोग लिखते कवि वैसे लिखा। इन नंदी जी का तो विवाह सुयसा जी के साथ में हुआ।
आगे भगवान शंकर का काल भैरव अवतार की कथा श्री सुखदेव जी वो सूत जी महाराज सुना रहे हैं। एक बार सभी देवता एवं ऋषियों सुमेरु पर्वत पर गए और ब्रह्मा और विष्णु से पूछा कि परम तत्व क्या है, अविनाशी तत्व क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही परम तत्व हूं, भगवान विष्णु ने कहा मैं परम तत्व हूं। दोनों में झगड़ा होने लगा, जैसा कि कथा हम पहले सुन चुके हैं। उन दोनों का विवाद बढ़ते हुए देख करके और भगवान विष्णु ने कहा, जब विवाद बढ़ने लगा तो विष्णु जी ने कहा कि वेदों से पूछो, वेद प्रमाण है, वो कहेंगे कि परम तत्व क्या है। भगवान विष्णु ने वेदों से पूछा तो वेदों ने क्या उत्तर दिया, वेदा प्रमाण वेदा प्रमाणम सर्वत्र प्रतिष्ठां परमा पिता योयां वदत वेस्त्रब्धां किमेकां तत्त्वमात्रयां किमेकां तत्त्वमात्रयम्। वेद वाक्य ही सर्वथा प्रमाण होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है, वेद वाक्य प्रमाण है। वेदों ने वहां ऋग्वेद ने चारों वेदों की अलग अलग बातें रही हैं और सबने शिव जी को ही परम तत्व बतलाया है। पहले ऋग्वेद बोले यदंतम स्थानि भूतानि यतः सर्वां प्रवर्तते यदायोः परमं तत्त्वं सरुद्रस्त्वमेक एव च सरुद्रस्त्वमेक एव हि। वेदों ने कहा शिव ही परम तत्व है, ब्रह्मा जी ने बात नहीं मानी। अरे बोले वो भूतनाथ कैसे परम तत्व हो सकता है। तो वहां ब्रह्मा जी ने थोड़ी शिव जी की अवहेलना की और ब्रह्मा जी ने शिव जी की अवहेलना की कुछ निंदा करने लगे, वो भूतनाथ है ऐसा है। इतना कहते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में एक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने उसमें रुद्र रूप को देखा और ब्रह्मा जी इतने अभिमान में उस समय आ रहे थे, उन्होंने कहा अरे पुत्र तू तो मेरा बेटा है, रुद्र है, डर मत डर मत मैं हूं। शिव जी को रोष आ गया और भगवान शंकर का क्रोध ही एक गण के रूप में प्रकट हो गया। वो भगवान शंकर का ही स्वरूप है, उनका नाम हुआ भैरव। क्या आज्ञा है, शिव जी ने कहा कि ये ब्रह्मा का अभिमानी अंग इसको नष्ट कर दो। भैरव ने जो है ब्रह्मा जी का मस्तक छिन्न कर दिया, मस्तक काट दिया। ब्रह्मा जी को पांच मुख थे, चार रह गए और जैसे ही ब्रह्मा जी का सर काटा ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे, क्योंकि काल भैरव को जो विकराल रूप उस समय दिखाई दे रहा था लगता था कि ये काल भैरव निश्चित ही प्रलय कर देंगे, ब्रह्मा जी को नष्ट तो करेंगे ही सारी सृष्टि को समाप्त कर देंगे। इसलिए विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी और कहा कि आप शांत हो जाइए। अब जो है भगवान विष्णु ने स्तुति की, ब्रह्मा जी भी घमंड रहित हो गए। लेकिन जो ब्रह्मा जी का सिर काटा था उसके कारण भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि आखिर ब्राह्मण का सिर काटा, यद्यपि वो शिव ही है पर वेद मर्यादा रखने के लिए यदि हमारे ऊपर नियम लागू नहीं होगा तो लोग कहेंगे लो अपने लिए कोई नियम नहीं हमारे लिए नियम, तो नियम तो नियम होता है। तो शिव जी ने कहा कि मेरे भैरव के रूप के पीछे भी ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब ब्रह्म हत्या जो है लगी तो सारे तीर्थों में भैरव ने भ्रमण किया, सारे तीर्थों में स्नान किया, लेकिन ब्रह्म हत्या ने पीछा नहीं छोड़ा। विष्णु जी के पास गए, स्तुति की, भगवान विष्णु ने भैरव की स्तुति की, लक्ष्मी जी ने भैरव के पात्र में भिक्षा डाली और ब्रह्म हत्या से भगवान विष्णु ने पूछा कि पीछा क्यों नहीं छोड़ती, इनका पीछे क्यों लगी हो। बोले मैं भी तो अपनी मुक्ति चाहती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। ब्रह्म हत्या बोली मेरी मुक्ति भी तो इन्हीं से होगी इसलिए इनके पीछे लगी हूं। भगवान विष्णु ने भैरव से कहा कि अब आप काशी चले जाइए और जैसे ही भैरव काशी पहुंचे
तो ब्रह्म्या हत्या जो है वहां हाहाकार करती हुई पाताल में चली गई, जल करके भस्म हो गई। और एक कपाल, जो ब्रह्मा जी का कपाल था ना, वो भैरव के हाथ से चिपक गया था। तो सब जगह घूमे पर वो कपाल हाथ में चिपका रहा, पर काशी में जैसे ही पहुंचे तो वो कपाल हाथ से छूट के गिर गया। और जहां कपाल छूट के गिरा उस स्थान का नाम हो गया कपाल मोचन। काशी जी में है स्थान कपाल मोचन। भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा तुम मेरे रूप हो, मैं तुम्हें काशी का अधीश्वर बनाता हूं, काशी के अधीश्वर तुम रहोगे, काशी में आने जाने वालों का हिसाब किताब तुम रखोगे। तो काशी का पुराधीश्वरम कौन है? श्री भैरवनाथ जी महाराज, काल भैरव। आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाएं और केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करके आ जाएं, काल भैरव का दर्शन नहीं करें, तो आपका दर्शन सार्थक नहीं माना जाता। आप जब भी काशी जी जाएं तो काल भैरव का अवश्य दर्शन करें। काल भैरव साक्षात शिव स्वरूप है। कितना पुण्य मिलता है भैरव के दर्शन से। यहां से महापुराण में बड़ा सुंदर श्लोक है पंकज जी, अनेक जन्म युतैर यतकृतं जन्तुभिस्त्वधाम तत सर्वं विलयाम याति कालभैरव दर्शनात्। अनेक जन्मों के किए हुए पाप काल भैरव के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। यत कृतम जंतु भीरद्वगम, अनेक जन्मों के जो अग हैं माने पाप हैं, वो भैरव जी के सामने जाते ही जल करके भस्म हो जाते हैं, जैसे वो ब्रह्म हत्या जल के भस्म हो गई। काल भैरव के रूप में शिवजी का प्राकट कब हुआ? बोले मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव प्रकट हुए थे, तो इस दिन काल भैरवाष्टमी मनाई जाती है। उस दिन भैरव की उपासना का विशेष महत्व कहा गया है। और जो भैरव की इस कथा को सुनता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्त हो जाता है। श्रणवाख्यानमिदं पुण्यम ब्रह्म हत्यापनोदकम भैरवोत्पत्ति संयम च सर्व पापै प्रमोच्यते।